वाल मिक्सर की फिटिंग किस तरह से करनी है इसके बारे में पूरी जानकारी दोस्तों, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्लम्बिंग एंड सील चैनल में। तो देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले यहाँ पे पाइपलाइन के लिए झरी मार दी है। तो झरी इस तरह से मारना है कि आपने जी पाइप की साइज है उसी हिसाब से मारना है। उसके बाद हम यहाँ पे हमारी फिटिंग चालू कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये एक इंच का CPVC पाइप है जो हाफ टन के लिए एक इंच का पाइप ठीक रहता है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे एक इंच की पाइप की फिटिंग कर रहे हैं सबसे पहले। और यहाँ पे जो हमने टी मारी है वो इंडियन यहाँ पे ओरिजिनल प्लान रहने वाला है इंडियन टॉयलेट, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे टी मार के उसको आगे फिटिंग का कंटिन्यू करेंगे। और ये टी मारने के बाद जो हमारा यहाँ पे इंडियन टॉयलेट सीट बैठता है उसके बाद ही यहाँ पे आफ्टन की फिटिंग होती है। तो ये बाथरूम की फिटिंग देखिए दोस्तों, पाइपलाइन थोड़ी नीचे से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे हम प्रेशर पंप बिठाने वाले हैं, तो उस वजह से यहाँ पे पाइपलाइन नीचे से ऊपर जाने के बाद भी यहाँ पे प्रेशर डाउन नहीं होने वाला, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे फिटिंग कर रहे हैं। एक बार यहाँ पे पाउंड का रेड्यूसर इसलिए करा है कि बाकी की फिटिंग हम पाउंड इंच पाइप में करने वाले हैं। ऊपर की तरफ पाइप हमारा वाल मिक्सर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे हमने ये जो एल्बो मारा है यहाँ पे नल का पॉइंट के लिए उसको नीचे करके छोड़ दिया है अभी तक। बाकी की फिटिंग अब हम यहाँ पे आगे से कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऊपर सोलर बैठने वाला है, तो सोलर को हमने यहाँ पे गीजर का कुछ सिस्टम नहीं रखा है, जिस तरह से ऊपर ही उसको ऑपरेट वाल है। अगर आपके पास गर्म पानी का वाल मिक्सर में कुछ मेंटेनेंस करने के रहता, हम ऊपर का वाल बंद करके उसको यहाँ पे वाल मिक्सर को मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गीजर का सिस्टम ही नहीं रखा था क्योंकि डायरेक्ट इसमें सोलर का पानी वाले मिक्सर में ही होने वाला है। हमारे गर्म पानी का पाइप यहाँ पे हम टी इसलिए मार रहे हैं दोस्तों ताकि दरवाजे के बाहर से बेसिन का पॉइंट है, तो आप पाइप को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। वाल मिक्सर की फिटिंग करते टाइम दोस्तों एक बात याद रखनी चाहिए कि उसका गर्म का पाइप और ठंडे का पाइप ये दोनों एक लेवल में होने चाहिए, और जो शावर का पॉइंट रहता है वो दोनों के सेंटर में रहना चाहिए, और उनकी जो मेजरमेंट रहती है उनका डिस्टेंस, तो गर्म पानी ठंडे पानी का उन दोनों में का डिस्टेंस 6.5 इंच का रहे तो चलता है, और उसके बाद जो
शावर में पाइप जाता है, शावर का पाइप उसको हम दोनों पाइप के लेवल से एक साइड से आप गिने पे तो उसको 7 इंच का सेंटर रखा तो भी जमता है। सेंटर टू सेंटर माप बोल रहा हूँ दोस्तों में। मैं आपको यहाँ पर लगा के चेक करके बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने 6.5 इंच रखा है, अब उसको 7 इंच के हम एडजस्ट करेंगे। देखिए ये साइड से भी 7 इंच आना चाहिए और वो साइड से दोनों साइड से 7-7 इंच आ गए तो हमें पता चलता है कि ये हमारा जो ब्रश हेल्प है वो बराबर वाले मिक्सर के सेंटर में है। तो देखिए दोनों साइड से सेम माप आ रहा है तो हम उसको उसके बाद में उसको सीमेंट सल्ला लगा के उसको पैक करना चाहिए, वो जो मैं बाद में करने वाला हूँ। अभी तक मेरी फिटिंग ही चालू है, यहाँ पे हम सब बाथरूम की फिटिंग करने के बाद एक ही साथ में उसको पॉइंट फिक्स करेंगे। तो वॉल मिक्सर की फिटिंग आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।